सुनो भी मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, स्वधर्म शांत है, देश तुम्हारा शांति धाम है, आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकती हो। ऐसे एक शब्द में कभी किसको कहा, अभी शांत रहने का बाबा ने समझ दी है, या हम अशांत आए हो जाए ना, ये क्या तुम अशांत, दुनिया वाले तो बेचारे कहेंगे क्या करूं अशांत हो, पर हमारे में से कोई अशांत हो जाए, थोड़ा दुखी हो जाए, तो ऐसे कहें तुम क्यों, तुम्हारा स्वधर्म शांत, तुम्हारा घर शांति धाम, तुम्हारा स्वरूप शांत, भाई मेरा कैसा प्रश्न, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है, उत्तर, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो, तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठा है, सोने का पहाड़ स्थापन करते हो, पांच तभी सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं, सत्व प्रधान तत्वों से शरीर भी सत्व प्रधान होता है, वहां के फल भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ओम शांति, जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्मी शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तेरे में गले में हार पड़ा है, शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो, आत्मा स्वतः ही शांत स्वरूप है, इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है, जैसे बाबा बोले ना शब्द वर्ड बाय वर्ड अच्छी तरह से अपन को बैठ के समझाना चाहिए, जैसे बाबा समझा रहा है, आत्मा सदा शांत रहे भला तो कर्म कैसे करेंगे, कर्म तो करना ही है, हाँ शांति धाम में आत्मा शांत रहती है, वहाँ शरीर नहीं है, या कोई भी सन्यासी याद नहीं समझते, हम आत्मा है शांति धाम में रहने वाली, बच्चों को समझाया गया है शांति धाम हमारा देश है, फिर सुख धाम में आकर हम पाठ बजाते हैं, फिर रावण राज्य में दुख धाम हो जाता है, ये बाबा ने बच्चों को समझा लिया है, यह 84 जन्मों की कहानी है, भगवानों वाच है ना अर्जुन प्रत, कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, एक को क्यों कहा, एक को क्यों कहा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, क्यों, एक की गारंटी है, देखो एक की गारंटी है, इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, उनको ही कहते हैं कितना ब्रह्मा बाबा को पक्का नशा है, हम सो है, गारंटी है, तो यह बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, यह जो सब बच्चे हैं ना, सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है, कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे, इनकी तो सर्टन है, इनको कहते हे बच्चे, तो ये अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना, बच्चे खुद भी समझ सकते हैं, हम जन्म कैसे लेंगे,
सर्विस ही नहीं करते हैं। तो सत्योगी नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? एक पुरुषार्थ ऐसा हो, दूसरी सर्विस ऐसी हो, इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा। मैं इनके लिए कहता हूं जिनके लिए सर्टेन है, तुमको भी सर्टेन है, तुम भी समझ सकते हो। मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं, कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे मारती जो है वह 84 जन्म लेते हैं। कभी की मुरली होंगी, भगवान को भी सर्टेन होना। ऐसे ऐसे मारती जो है वह 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे, समझते हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौरी पेन, कहीं दौरी पेन निशान तक फिर वापस लौटते हैं। सब एक रस हो न सके, रेस में जरा पाव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाते हैं। यह भी अश्व रेस है, अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथक को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी ये जो दिखाते हैं, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया, ये सब बातें नहीं है। न दक्ष प्रजापिता है, न कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं, बनाई है बद कहानियां, उनका नाम ही है कथा। बहुत कथाएं सुनते हैं, यहां तो तुम पढ़ाई पढ़ते हो, कथा नहीं सुन रहे हो। यहां तो तुम पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम एन ऑब्जेक्ट रहती है, हमको इस पढ़ाई से फिर ये नौकरी मिलेंगी, कुछ न कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देई अपमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है, इसमें कभी नहीं थकना चाहिए, थकावट दूर करने वाली है। देह अपमान थकाता है, देही अपमान नहीं करें बनना। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, तो इसलिए खास याद करना होता है। ऐसे नहीं, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं तो याद क्या करो। याद करना अपने को स्टूडेंट समझ करके, ऐसे नहीं मैं बच्चा हूं, स्टूडेंट समझ करके याद करना। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है, शिव बाबा टीचर है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। यह भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है, वो कौन पूछेंगे दिल से जो अंतर्मुखी रहते हैं। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है, कितना समय बाप की याद ठहरती है? जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है। ये याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है।
योग कौन सिखलाते हैं, ये किसको पता नहीं है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण को आज सुनो, कृष्ण को याद करने से एक भी पाप नहीं कटेगा। लोग कृष्ण को याद करते रहे, बाकी कृष्ण को याद करने से एक पाप भी नहीं कटेगा, क्यों? वह तो शरीरधारी है, पांच तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया जैसे मट्टी को याद किया। मोली सुनो, कान खोल के, कृष्ण को याद किया तो जैसे मट्टी को याद किया। मैं देखती हूँ कईयों में थोड़ा परिवर्तन आया है, मोली सुनते सुनते ऐसे ऐसे खुश होते हैं, कईयों को मेरी सुन रहे हैं, फर्क पड़ता है ना। ऐसी बाबा मट्टी को याद किया, अरे लोग कृष्ण को भगवान समझे, हम कहे एक भी पाप नहीं कटेगा तो और देहधारियों को याद करने से क्या होगा, पाप चरेगा या कटेगा? शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं शरीर बनो फिर मुझ बाप को याद करो। कहते भी हो हे पतित पावन, हे पतित पावन, वो एक वाना युक्ति से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। भगवान रचता तो एक होता है, अगर मनुष्य अपन को भगवान कहलाते भी है तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे तुम सब हमारे बच्चे हो। कोई अपन को भगवान कहलाते पर ये नहीं कह सकते तुम हमारे बच्चे हो, या तो कहेंगे तत्त्वम, या तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, हम भी भगवान तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तू ही तू, ये सब भक्ति की है, जिधर देखता हूँ तू ही तू, पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते हैं। तुम हमारे बच्चे हो ये कह नहीं सकते हैं। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लालो बच्चो तो थप्पड़ मार देवे, ये एक ही पल्लो के बाबा कह सकते हैं। और कोई सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दे न सके, 84 के सीरी का राज कोई समझा न सके, सवै निराकार बाप के। उनका असली नाम ही है शिव, यह तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपने अपने भाषा में नाम रख देते हैं, जैसे बॉम्बे में बबलनाथ कहते हैं, बबलनाथ का मंदिर है, परंतु वे अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम समझते हो वो कांटों को फूल बनाने वाला है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते, बाप बच्चों को ही समझाते हैं, उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे करते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है, क्यों? बाप आए हुए हैं ना, आजकल फीमेल्स का मान बहुत है, क्यों? बाप आए हुए हैं ना, बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति सेना हो तो ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, सच तो एक ही है, गाया जाता है सच की बेरी हिले डोले वो डूबे नहीं। तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो, बाकी झूठी बेरियां सब खत्म हो जाएगी। तुम भी कहां कोई यहां राज करने वाले नहीं हो, तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज करेंगे। ये बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। ये बाबा न मिलावा होता,
अभी जानते, ये बाबा न मिला हुआ होता तो कुछ भी नहीं जानते। कितना नशा चलता, ये बाबा न, कुछ नहीं जानते। अब जानना है बाबा को। यह युधिष्ठिर युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला, आज ब्रह्मा बाबा युधिष्ठिर के रूप में है, युद्ध में बच्चों को खड़ा करने वाला है। यह नॉन वायलेंस एंड सक, मनुष्य हिंसा समझ लेते मारा मारी को। बाप कहते पहले मुख्य हिंसा है काम कटारी की, इसलिए काम महान शत्रु है, इन पर विजय पानी है। मूल बात ही है काम विकार की, पतित माना विकारी। विकार कहा ही जाता है पतित बनने वाले को, जो विकार में जाते हैं। क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे ये विकारी है, क्रोधी को क्रोधी कहेंगे, लोभी को लोभी कहेंगे, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी निर्मोही निर्विकारी, निर्लोभी कोई लोभ नहीं कोई मोह नहीं, निरहंकारी। वह कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे, अरे उनों को तो निर्विकारी मानते हो ना, वह है ही वॉइसलेस दुनिया। द्वापुर कलयुग है विशेष दुनिया, खुद को विकारी, खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते हो ना, तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। हम भी विकारी थे पर इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से ही यह पद पाया है, फिर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे, हमने कल पहले से राज पाया था, जो गंवाया है हम फिर से पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे ना, हमने पाया था फिर गंवाया फिर से पा रहे हैं, यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेंगी। वेदांत पे ये बहन जो बैठी है ना, बोलो खुश हो रही हो ना, आपके बाद जो बैठी है रात को न खुश थी, अभी खुश हो रही है, यहाँ आकर मुरली सुनने बैठी है। देखो कितनी खुशी आ गई। बाबा कहते यही चिंतन चलता रहे, हंसो मुस्कुराओ, मुस्कुराने में मुश्किल चली जाती है। भाई माया ये स्मृति भुला देती है, बाबा जानते हैं माया ये स्मृति भुलवा देती है, बाबा जानते हैं, तो अस्थाई याद में रह नहीं सकते। ये माया ऐसा भुलवाती है जो अस्थाई याद में ठहर नहीं सकते हैं। तुम बच्चे अडोल बन करके याद करो, अडोल बन करके याद करते रहो तो जल्दी कर्माती तवस्था हो जावे। मुरली भाई सुन रहे हैं, हाँ, अडोल बन करके याद करते रहो तो कर्माती तवस्था हो जावे।
और आत्मा वापस चली जाए। किसको ये लग गई बात है? पहले कोई भी हिले नहीं, सच्चा की नया डोलेंगे डूबेंगे नहीं इनसे, पर अडोल बन करके याद रखो। किसको लग गई ये बात अंदर मन में? हाथ तो उठाओ, तुम कभी मुरली सुनते सुनते ऐसी लग जाती है बात है, जो कभी भूल नहीं सकती। बाकी पहली लाइन को हाथ नहीं उठा रहे है गंभीरता से। परंतु नहीं, पहले नंबर में तो यह जाने वाला है, फिर है शिव बाबा की बरात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में जोत जगा करके ले जाते हैं ना, ये निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती जोत है, बाकी हमारी जोत जगाई है, वो जागती जोत है हमारी जो जगाई है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए है। तुम योग बल से अपनी जोत जगाते हो, तुम योग बल से अपनी जोत जगाते हो, योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से धन मिलता है, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। योग बल से तुम खास भारत आम सारा विश्व को पवित्र बनाते हो। देख रहे हैं बैठ के कितना योग बल है। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती है। सब इसकर उच्च पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। जीवन हीरे जैसा बनाना कम नहीं। गाया जाता है फॉलो फादर एंड मदर, ऐसी जीवन बनानी है फॉलो फादर एंड मदर और अनन्य ब्रदर्स सिस्टर्स। तुम बच्चे प्रदर्शन में भी समझा सकते हो कि तुमको दो फादर है, लौकिक और परलौकिक। इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना। वर्षा उनसे मिलना चाहिए, अब वर्षा दे रहे हैं। बड़ा तो बेहद का बाप हुआ ना, वर्षा उनसे मिलना चाहिए, अब वर्षा दे रहे हैं। विश्व का मालिक बनाए रहे हैं। भगवानों वाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ, भगवानों वाच अब तुमको राजयोग सिखाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कलप कलप भारत में आकर भारत को बहुत शाहूकार बनाते हैं। तो विश्व के मालिक बनते इस पराई से, उस पराई से क्या मिलेगा? यहां तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्म के लिए, उस पराई और इस पराई में रात और दिन का फर्क है। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है, तो बाप का वर्षा टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देता है। बाप की वर्षा, बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा। अभी टाइम नहीं है, स्पष्ट करना चाहिए बुद्धि में सब। बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा, गुरु का वर्षा। सब देता है। बाप कह देते हैं देश है सबको भूलना है। बाप के वर्षे में है प्यार, टीचर के वर्षे में कितना टीचर का ध्यान नाम वाला करते हैं, अच्छी कमाई, अच्छी पढ़ाई, अच्छा शान है। गुरु का वर्षा है, आशीर्वाद है, श्रीमत पर चलता है बच्चा, अच्छा अच्छा अच्छा, श्रेष्ठ आत्मा।
बाप कहते हैं देश से सबको भूलना, आप मरे मर गई दुनिया, बाप के ऐडा पेट बच्चे बने, बाकी किसको याद करेंगे, दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं, पाट में भी आते हैं पर बुद्धि में है, बल्कि पाट देखते हुए भी नहीं देखते हैं, पाट में भी आते हैं पर बुद्धि में है हमको घर जाना है, पर यहाँ आकर पाट बजाना है, यह बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी। देह भान छोड़ देना चाहिए, ये पुरानी चीज यहां छोड़नी है हमको, अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है, पुरानी सृष्टि को तो आग लग रही है, अंधे के लद अंधे, अंधे के लद अंधे, अज्ञानी में सोए हुए हैं। मनुष्य तो समझेंगे ये सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु ये अज्ञान नींद की बात है, जिसे तुम जगाते हो। ज्ञान अर्थात दिन सत्युग, अज्ञान अर्थात रात है कलयुग, ये बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है तो माता पिता ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े, इसलिए कोई भी कन्या को शादी तो उसमें माता पिता को छोड़ा सासू ससुर याद आएगा, फिर उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल भी है जो संन्यासियों को दिखाते हैं, हम युगल बन करके भी कभी विकार में नहीं जाते हैं, ज्ञान तलवार बीच में है, बाप का फरमान है पवित्र रहना है। देखो रमेश उषा है, कभी भी पतित नहीं बने हैं। निमला बहन ऐसे युगल देखे है हम आपस विश्व में, बहुत अच्छे अच्छे है, लंदन में ही 6-7 है, बिल्कुल ये बैठा है वो कौन है हमारी विनय, और हम बैठे हैं यहाँ बह, हाँ देखो इस क्लास में होना चाहिए, ठीक है। ये डर है उनको, डर है, रमेश कभी पतित नहीं बने हैं, ये डर है, अगर हम पतित बने तो 21 जन्म की राजा ही खत्म हो जाएंगी। देवाला मार देंगे, ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्व विवाह का नाम तो है ना, तुम जानते हो पौत्र रहने से पद बहुत ऊंच मिलेगा, एक जन्म के लिए पौत्र बनना है, योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है, योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाती हो, तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उड़ाए, सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य तो ही समझते हैं, वह तो गोवर्धन पर्वत पर छारी परिक्रमा देते रहते हैं, ये तो बापी आकर सारी दुनिया को गोल्डन एज बनाते हैं, ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, परंतु वहां सोने की खानियां भरतू हो जाएंगी, पांच तत्व सत्व प्रधान है, फल भी अच्छा देते हैं, सत्व प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सत्व प्रधान होता है, वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं,
नाम ही है स्वर्ग। तो अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करने से विकार छूटेंगे, देहमान में आने से विकारों की चेष्टा हो जाती है, देहमान में आने से विकारों की चेष्टा हो जाती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे, ज्ञान बल तो है पर योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। बोले ज्ञान बल है पर योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बरा या प्रारब्ध बरी, तो कहते पुरुषार्थ बरा, वैसे इसमें कहेंगे योग बरा। योग से ही पत से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे, मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा, मास में क्या कमाई होगी। यह तुम एक एक रत्न धारण करते हो, यह लाखों रुपयों का, वहां पैसे की गिनती नहीं की जाती है, वहां कभी पैसे की गिनती नहीं की जाती है। बाबा ने कभी नोट हाथ में नहीं उठाता था, कभी नहीं, कभी बैठ के गिनती कर कभी देखा ही नहीं। 84 जन्म में भी हमने नहीं किया, क्या करेंगे, मैले मैले नोट कितनों के हाथ से पास होते हैं, हाथ मैले हो जाए, इसलिए भंडारे में जावे पावन हो जाए तो ठीक है, क्या करेंगे। नहीं, मैले कितने मैले हैं, नोट कितनों से पास होते हैं, कोई चोरी के कोई ठगी के कोई ऐसे, हम क्या करेंगे। फ्री है ना शात्रा, एक रत्न धारण करते हो, यह है लाखों रुपए के, वहां पैसे की गिनती नहीं की जाती है, अनगिनत धन होता है, सबको अपनी अपनी खेतियां आद होती है। अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं, यह है एम एन अब्जेक्ट, पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है, राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई, इनकी प्रारब्ध को जान कहे तो बाकी क्या चाहिए। लक्ष्मी नारायण ने ये प्रारब्ध कैसे पाई ये जान गए तो बाकी क्या चाहिए। अब तुम जानते हो कलप कलप 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, तो बच्चों को सर्विस का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया खाना नहीं खाना चाहिए, समझा। सुबह से उठ करके किसको रास्ता नहीं बता, कौन ऐसे रास्ता बताने में खाना खाता है। मेरे को बाबा ने मना कर लिया था, खाना खा रही हो, सेवा की कथा किया तब से लेकर, कौन है ऐसे बैठ के यहाँ से उठ के खाना खाए, क्लास से उठ के काम पर गए फला लग गया, काम पर भी जाओ पर ट्रेन में भी किसको रास्ता बताओ, कहाँ पर भी रास्ता बताओ। हमारा आनंद जी होता था बस पर खड़ा हुआ है, भाई बस जा रही है, कहते नहीं इसको बेचारे को फिर टाइम नहीं मिलेगा ना, बस पर खड़ा कर देता था। एक बस गई, दूसरी बस गई, तीसरी बस गई, मेरा दादा नहीं नहीं अभी बेचारे को टाइम नहीं मिलेगा ना, ऐसी सेवा कराई है मस्त बाबा के बच्चों ने। इतना हुल्लास उमंग हो तब ऊंच पद पा सकेंगे। तो आज मुरली से नोट करना, ऊंच पद कैसे पा सकते हैं, क्या क्या ध्यान पर बातें हो जीवन में, ध्यान पर भी हो तो जीवन में भी हो। अच्छा बोलो मीठे मीठे, बोलो मीठे मीठे, नहीं बोलते हैं। शिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार, ईश्वरी सर्विस कर, अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है, अपनी याद अडोल और अस्थाई बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। वरदान, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले, गहरी ये बात, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने, स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए है, लेकिन उन्हें व्यर्थ नहीं, व्यर्थ तरफ गमान लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में ख्यानत है। अब इस ख्यानत और मिलावट को, ख्यानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सब के ऊपर रहम के स्वकल्याणी बनो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्वकल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो और किसी को नहीं देखो। स्व को देखो, बाप को देखो और कोई को नहीं देखो। स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। सदा हर्षित वही रह सकते, कहीं भी आकर्षित नहीं होते। ओके, ओम शांति।